देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये सांसें हो मातृभूमि के लिए। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये सांसें हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये सांसें हो मातृभूमि के लिए, देश के लिए जिए। लय के साथ करते रहिए, रुकना नहीं आपको। ऐसे 15 मिनट लगातार करने की आदत बनाओ। गर्व से सभी कहें एक है हम एक हैं, गर्व से सभी कहें एक हैं हम एक हैं, जाति पंथ भिन्नता में स्नेह सूत्र एक है, जाति पंथ भिन्नता में स्नेह सूत्र एक है, शुभ्र रंग की छटा, शुभ्र रंग की छटा, सफ रंग है लिए, शुभ्र रंग की छटा, सफ रंग है लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए। कोटि कंठ से राष्ट्र धर्म गर्जना, कोटि कोटि कंठ से राष्ट्र धर्म गर्जना, नित्य सिद्धि शक्ति से मातृभू की अर्चना, नित्य सिद्धि शक्ति से मातृभू की अर्चना, योग शक्ति कलयुगे, योग शक्ति कलयुगे, सुधा है धर्म के लिए, राष्ट्र भक्ति कलयुगे, सुधा है धर्म के लिए, ये धड़कने ये सांसें हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये सांसें हो मातृभूमि के लिए, देश के लिए जिए। कि ये स्वर सभी गाएंगे। योग का मूल सिद्धांत क्या है? एक सच्चिदानंद परमात्मा सब में है, और हम में भी जो ज्ञान शक्ति सामर्थ्य है वो सब भगवान से है। तो अपने आप को भगवान का यंत्र अनुभव करना, निमित्त मात्र होकर के, और सब में एक सच्चिदानंद परमात्मा को देखना, और अपने स्वधर्म को, अपने राष्ट्र धर्म को बस कर्तव्य मान करके निभाना, बस यही योग और अध्यात्म। एक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का सब निवास, एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले। आइए गाइए आप भी मिलकर के। एक दीप ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, एक दीप ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले, तेज पुंज हम बढ़े, तेज पुंज हम बढ़े, तमस चीरते हुए, तेज पुंज हम बढ़े, तमस चीरते हुए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए
धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए, पुण्य भूमि के लिए। आप तो इस संकल्प को प्रतिपल जीते हैं और योग करने से यही तो अपने भीतर से भाव जाता है। तो एक योगी ही सच्चा योद्धा होता है और वो इस जीवन को भी आनंद से जीता है। हम बार बार एक बात कहते हैं, न जीवन से पलायन न मौत का गम, न जीवन से पलायन न मौत का गम। योगी रहता है हमेशा सम, और समत्वम योग उच्यते, ये समत्व ही योग है। और ये समत्व में जीने की दीक्षा योग दीक्षा आपको दे रहा है। ऐसे ऐसे रोज योग करना और आनंद से रहना। जो परमात्मा ने अपने को शक्ति सामर्थ्य दिया है, बस उससे मातृभूमि की सेवा करते जाए। आइए अब अगला प्राणायाम कर लेते हैं। बाह्य प्राणायाम थोड़ा कठिन है, तीन बंध लगते हैं इसमें। सांस को बाहर छोड़ते हैं, पहले अंदर भरते हैं फिर बाहर छोड़ा, और तीन बंध लगेंगे। कंठकूप में लगाना जालंधर बंद, पीठ को सिकुड़ की पीठ से लगाना उड़ियान बंद, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना, कॉन्टैक्ट करके रखना मूल बंद। तीन बंद के साथ ही बाह्य प्राणायाम होता है, जिनसे हो पाए ये कर लेना, शेष प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। तीन से पांच बार रोज कर लेना चाहिए बाह्य प्राणायाम। और अग्निसार, सांस को बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींचा और ढीला छोड़ा, ऐसे सांस को बाहर छोड़ के पेट को पूरा अंदर खींचते हैं, ढीला छोड़ते हैं, तो पेट की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है ना। लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, स्टमक, गॉलब्लैडर, ये पूरा अंदर से पाचन तंत्र इससे रिलैक्स हो जाता है। वो अभ्यास के बाद नौली क्रिया होती है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। श्वास को बाहर छोड़ के पेट को बीच से ढीला छोड़ते हैं, साइड से अंदर खींचते हैं, फिर ऐसे गोल घुमाते हैं। शुरू में तो करेंगे तो आगे से तो कुछ घूमेगा नहीं, पीछे से क्योंकि बॉडी पर नियंत्रण नहीं होता है। बॉडी और माइंड पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। भाई देखो, बॉडी पर और माइंड पर कंट्रोल आता है योग से। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन,
सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, यही तो योग है। तो आओ दाया हाथ उठाओ, बाएं नाक से दाएं दिमाग पर, दाएं नाक से बाएं दिमाग पर, माने अनुलोम विलोम से राइट लेफ्ट ब्रेन पर। दिमाग पर कंट्रोल किससे आएगा? अनुलोम विलोम से। बॉडी पर कंट्रोल कपालभाति से, और ब्रेन पर कंट्रोल अनुलोम विलोम से। ये तरीका है। सीधे बैठिए, लय के साथ कीजिए। सहजता के साथ बाएं से श्वास लिया, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया और बाएं से छोड़ दिया। ध्यान के साथ प्राणायाम कर, बाएं से श्वास लिया तब मन ही मन ओम का जप, दाएं से छोड़ा तब मन में ही मन ओम का जप। ओमिति काक्षरम ब्रह्मा व्याहरन माम अनुस्मरन, यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना, कामदम मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वे वीदायत पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् विदन्ति, सर्वे वेदायत पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। ओमिति तत् ओमिति तत् ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत्। प्रणवो धनु शरोयात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते, अप्रमत्तेन वेधव्यं सर्वतन्मयो भवे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ओम ओम के ध्यान के साथ करना। ध्यान पूर्वक प्राणायाम करना, हर रोज ऐसे ही करना, फिर देखना शरीर तो निरोग होगा ही होगा, मन भी निर्मल हो जाएगा, पावन हो जाएगा। और जब तन मन पावन हो जाएंगे तो आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। आत्मा तो सदा ही दिव्य है, पावन है। आत्मा में तो सदा ही परमात्मा का प्रकाश है। तन मन आत्मा सब कुछ पावन ही पावन है। शुद्धौ सि बुद्धौ सि निरंजनौ सि संसार माया परिवर्जितौ सि, शुद्धौ हम बुद्धौ हम मुक्तौ हम पूर्णौ हम शांतौ हम तत्त्वमसि श्वेतकेतौ प्रज्ञानं ब्रह्मयम् आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा ही छोड़ना, और अपने शिव स्वरूप को, अपने आत्मस्वरूप को, मन कहा ना बार बार आपसे एक ही संकेत किया, उच्च चेतना में जीना, दिव्य चेतना में जीना, आत्म चेतना में जीना, भागवत चेतना में जीना, अपनी मूल चेतना में जीना, अपने मूल स्वभाव में, अपने मूल स्वरूप में जीना। और यही तो हम हैं। मैंने कहा सबसे बड़ा प्रश्न है जीवन में, मैं कौन? और इस प्रश्न का उत्तर मिलता है योग से, मैं अजर अमर नित्य विनाशी आत्मा हूं। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये बुद्धि, ये मेरे साधन हैं, इनके द्वारा मुझे जीवन की साधना करनी है, अपने कर्तव्य की पालना करनी है, अपने परिवार धर्म को, अपने समाज धर्म को, अपने राष्ट्र धर्म को, इस समष्टि के प्रति जो मेरे कर्तव्य, उनको निभाना है। ये शरीर साधन है, साध्य नहीं, ये अंतिम चीज नहीं है शरीर, ये इंद्रिय अंतिम नहीं है, ये मन अंतिम नहीं है, ये शरीर
ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये मेरा साधन है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयास्ते सुगोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्त्या इत्याहुर्मनीषिणः। यही तो उपनिषदों का संदेश है, वेदों का उपदेश है। सब ऋषिमुनियों की आत्मवेत्ता तत्ववेत्ता जिन्होंने जीवन और जगत के समस्त रहस्यों को समझा, अनुभव किया, उन सब महापुरुषों की यही अनुभूति है। अनुलोम विलोम करते जाओ, हर श्वास के साथ ओम ओम का जाप करते जाओ और अपने स्वरूप से जुड़ते जाओ। यही योग है, यही अध्यात्म है, यही साधना, यही समाधि, यही जीवन मुक्ति है। और अपने स्वरूप में जब आप ठहर जाते हो, योग चित्त वृत्ति रोधा तदा दृष्ट स्वरूप तम योगमिति मन्यन्ते सिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्त सदा भवति योगो ही प्रभवप्येव। यदा पंचावतिष्ठन्ति ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चन विचिष्टति तम आहु परमाम गतिम। यह है योग और अध्यात्म की स्थिति, जब हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं और अपने भीतर भगवान ने अपरिमित ज्ञान, मैंने कहा था ना सब कुछ बाहर नहीं, सब कुछ भीतर है, जो इस ब्रह्मांड में हुई पिंड में अपरिमित ज्ञान शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य विभूत, अपरिमित प्रेम करुणा वात्सल्य सारी संवेदनाएं सारा सुख सब कुछ परमात्मा ने अपने भीतर दिया हुआ, बस उसकी अनुभूति करना, उसको अनुभव करना और उसी भाव में बस जीते रहना और अपने जो आत्मा में बस परमात्मा प्रेरणा दे उसको कर्तव्य मानकर करते जाना, निष्काम हो करके, निर्लिप्त हो करके, असंग हो करके, अनासक्त हो करके, कर्तव्य भाव से अपने कर्म को करना, उसमें कोई आसक्ति नहीं रखना, इसका परिणाम क्या होगा ये परवाह नहीं करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे आपका 5-10 मिनट भी करने का अभ्यास हो गया है। रिलैक्स, अब दोनों हाथ नीचे, देखो ऐसे जैसे कपालभाति आप 10 मिनट तक कर लेते हो, ऐसे अनुलोम विलोम भी कितनी देर का अभ्यास होना चाहिए? 10 से 15 मिनट का। फिर कंधे थक जाते हैं थोड़ा तो ऐसे हाथ कर, तभी आपको क्या बताया हमें किस चेतना में जीना है, उच्च चेतना में। किस चेतना में जीना है बोलो? दिव्य चेतना में। किस में जीना है? आत्म चेतना में, भागवत चेतना में। यही हमारा मूल स्वरूप है, मूल स्वभाव यही हम हैं। मैं कौन हूं यह प्रश्न उठता है ना, मैं कौन हूं, ये बड़ा प्रश्न है सबके सामने। तो जो उच्च चेतना में जीते हैं, दिव्य चेतना में, आत्म चेतना में, भागवत चेतना में, स्वचेतना में, अपनी चेतना, मैं कौन हूं भाई, ये शरीर ये तो सबको पता है ना, यहीं पर मिला था और यहीं रह जाएगा। तो शरीर से परे कुछ है। जब आदमी कहते हैं कि मर गया तो क्या हो जाता है भाई? कहते हैं कि राजा बड़ा सनकी था, पुराने जमाने की बात है, उस जमाने में रेगिस्तान के एरियों में, चाहे अपना राजस्थान हो या दुबई आदि हो, वहां राजा महाराजा हो, या आज भी अपने रेगिस्तान की सीमाओं पर अपने यहां पर भी ऊंट रखते ही हैं। तो उसका ऊंट मर गया और वो ऊंट उसका बड़ा प्रिय था। अब कोई सैनिक ये कहने की हिम्मत ना करे राजा से कि ऊंट मर गया साहब, क्योंकि यदि ऊंट मर गया है कोई बोल दे तो राजा उसी को मार दे, इतना खूंखार था, इतना सनकी था। और जब तक आदमी जिंदा रहता है तो मरने के बारे में सोचता भी नहीं, ना सोचना चाहिए, जब मरेंगे तब मर जाएंगे, अभी क्यों सोचना।
तो जो सैनिक था उसने सोचा भाई ये तो बड़ी मुसीबत, और राजा के पास गया। अब ना भी बताए तो भी राजा फिर लताड़ेगा, तो उन्होंने बताया क्यों नहीं। तो राजा के पास गया, राजा साहब नवाब साहब वो जो अपना जो ऊंट था पता नहीं आज क्या हुआ, वो गर्दन नहीं उठाता है, वो आज तो पलके भी नहीं झपक रहा है, उसने तो पानी पीना भी बंद कर दिया है, वो हाथ पैर भी नहीं हिला रहा है, वो पैर हिला ही नहीं रहा है, पूंछ भी नहीं हिला रहा है, पता नहीं क्या हो गया। राजा बोले ऐसे क्या हुआ कि वो सिर भी नहीं उठाता, पलक भी नहीं झपकता, पूंछ भी नहीं हिलाता, पैर भी नहीं हिलाता। बोले साहब हमको नहीं पता क्या हुआ, बोले वो ऐसा गया। बताओ क्या हुआ, क्या हुआ भाई आप बता दो। मर गया। तो मर क्या गया, हाथ यहीं, पैर यहीं, पूंछ यहीं, ये सिर यहीं, सब कुछ यहीं पर है, तो ये मरने में होता क्या है। अच्छा ये तो सबको पता, आत्मा निकल गया। वो आत्मा कौन है वो, बोले जी ये पता ही नहीं, यही तो पता लगता है योग से कि उस आत्मा को, मैं मरते समय तो सबको पता लगता है कि आत्मा निकल गया, अरे जीते जी पता लग जाए तो यही योग है। मैं जीते जी पता लग जाए कि मैं आत्मा हूं, बस बटरफ्लाई कर लो। अभी तारी टांग हिल रही है ना, तब तक तो कहें कि वह जीवन है, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। भाई मेडिकली साइंटिफिकली आप देखो सब कुछ जैसा का तैसा रहता है, ब्रेन बॉडी माइंड हार्ट लीवर किडनी लैग सेंस सब कुछ एक जैसा है, मरने में और जिंदे में कोई फर्क नहीं है, बस एक एक सत्य है, एक तत्व है, एक कोई सबसे बड़ी ताकत है जिसके रहते सब में ताकत है। तो सबसे शक्तिशाली शरीर है कि आत्मा, बोलो। अब उसके रहते मस्तिष्क में ज्ञान वो निकल गया तो अपने ज्ञान भी साथ में लेके चली गई आत्मा, आत्मा में ही ज्ञान है, ये तो खोखा है, ये तो किताब है, किताब में ज्ञान नहीं है, किताब को लिखने वाले आदमी में ज्ञान है, और आदमी के भी हाथ पैर में ज्ञान नहीं, उसके दिमाग में इस मात्र इस खोखे में ज्ञान नहीं, उस आत्मा में ज्ञान है। तो कोई आदमी कहे कि सारा ज्ञान तो किताब में, अरे किताब में क्या है, किताब तो एक बस खोखा है। तो भाई ये शरीर तो खोखा है, इसमें रहने वाला, ये तो शरीर तो घर है, इसमें रहने वाला इसका मालिक तो आत्मा है। अब हमारी हालत क्या है, एक राहगीर था, गर्मी का समय था, रास्ते में चला जा रहा था, देर हुई तो पहले रात होने के बाद लोग अपने घर में ठहरा लिया करते थे, अतिथि देवो भव, तो उसको ठहरा लिया। बोले भाई रात हो गई अब कल सुबह जाना, तो उसका घोड़ा खूंटे से बांध दिया, और जो आया था आदमी उसको कमरे में रोक दिया। हुआ यूं कि उस आदमी ने भांग पी रखी थी जिसने अपने घर में रोका ना राहगीर को, यात्री को। तो भांग पीने वाला आदमी एक बात जो उसके ध्यान में जच जाए बस उतना ही समझता, उससे आगे कुछ नहीं समझता। कहते रोता है तो रोने लगता है, हंसता है तो हंसने लगता है, खाता है तो खाने लगता है, सोता है तो फिर सो ही जाता है, और ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो फिर सोता ही नहीं है। तो उसने क्या किया कि घोड़े को खूब चारा खिलाया, घास खिलाया, पानी पिलाया, उस पर खुरेरा भी किया, और जो उसका मालिक था ना उसको कमरे में बंद कर गया, उसको भूल गया, वो बेचारा भूखा प्यासा तड़पे। आप कहेंगे तो बड़ा मूर्ख था, उसने तो भांग ऐसी की, बताओ घोड़े का जो घोड़ा था सवारी थी उसकी तो खूब सेवा की और मालिक को भूल ही गया। भाई ये काम हमने भी तो कर रखा है, ये तो घोड़ा है इसके ऊपर खूब खुरेरा हो रहा है, सुबह से शाम तक बढ़िया बढ़िया साबुन शैम्पू लगाते हैं, इसको नुलाते हैं, खूब इसको घास दाना खिलाते हैं, और जो इसका मालिक आत्मा उसको ताड़े में बंद करके छोड़ रखा है। अरे भांग पी रखे भाई होश में आ जा। घोड़े की खूब सेवा हो रही है, ये घोड़ा ही है, घोड़े की खूब सेवा हो रही है, इसका मालिक कौन है। उपनिषदों का मंत्र भी थोड़ा सुनाया था ना,
आत्मानम रथनिम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मन प्रग्रमेव च इंद्रियाणि हयानाहो विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुरु मनुष्यः। ये है भाई, तो कुछ बात समझ में आई? हम कौन है बोलो, बोले जोर से, जीते जी बेरा पाट गया तो ठीक है। वह जीते जी बेरा नहीं पाटेगा, जीते जी पता नहीं लगेगा, तो भाई मरने के बाद तो सबने बेरा पाटना रहो, उस समय भाई फिर कुछ काबू नहीं लगेगा। और जिसको जीते जी पता लग गया कि मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रिया नहीं, मैं आत्मा हूं, वो शरीर को सर्वोपरि नहीं मानेगा, वो शरीर को तो ठीक रखेगा, ये साधन है, लेकिन वो शरीर के साथ साथ, साधन के साथ साथ जो साध्य है आत्मा, वो उसको भी शुद्ध बनाएगा और जीते जी ही वो मुक्ति पाएगा। इसी को कहते जीवन मुक्ति। आपको ऐसा बनाना है कि शरीर रूपी साधन भी अच्छा रहे और इसका मालिक आत्मा वो भी इतना पावन, इतना पवित्र हो जाए कि आप जीते जी ही मुक्त हो जाओ। और जो जीते जी मुक्त होता है वही मुक्त होता है, बाकी और कहीं मुक्ति मुक्ति है नहीं। जीते जी शरीर की सारी आसक्तियां छूट जाए, इंद्रियों और मन की आसक्तियां, सारे बंधन कट जाए और ये बोध हो जाए कि मेरे भीतर सब ज्ञान है, सारी शक्तियां हैं, सारा सामर्थ्य है, सारा सुख शांति मेरे भीतर है। जिसको अंदर का सुख मिल गया फिर वो बाहर बस निमित्त मात्र होकर के जीता है, फिर उसमें कोई अपने भीतर कमी महसूस नहीं होती। जीवन ये बस यही जीवन है, हम अपने भीतर कमी अनुभव करते हैं, बाहर की सत्ता संपत्ति नेम फेम, बाहर के जो मेटलिस्टिक प्लेजर, भौतिक सुख संबंध ऐश्वर्य, इनके द्वारा अपने आप को पूरा करना चाहते हैं। ये चीजें हमें पूरा नहीं कर सकती, हम तो अपने आप में पूरे हैं। फिर बस जो जैसे हैं वैसे अपनी सेवा करते जाओ, बस यही जीवन है। ये इतना सा ही योग और अध्यात्म और जीवन का तत्व है, सत्य है। ये इतनी बात समझ में आ गई कि सब कुछ मेरे भीतर पूरा दिया है परमात्मा ने, कोई गरीब है या अमीर है, कोई ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है दलित है वनवासी आदिवासी स्त्री है पुरुष है बच्चा है जवान है बुजुर्ग है, सब अपने आप में पूरे हैं। हम अपने भीतर अधूरापन महसूस करते हैं और उसको इधर उधर की चीजों से पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए फिर बेईमानी पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं।